हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीएचडी के एडमिशन मोस्टली इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में ओपन हो चुके हैं, तो इसी क्रम में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद, मुंबई, इन्होंने भी अपने पीएचडी सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन ओपन कर दिए हैं 2024-2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन्होंने पहले तो अपने विट्स प्लानिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या है। एडमिशन प्रोसीजर यह है कि इन्होंने जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, ईटीसी में इन्होंने क्या किया है, पीएचडी का एडमिशन ओपन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएचडी दो तरह से है, एक पार्ट टाइम पीएचडी है, एक फुल टाइम पीएचडी है। ठीक है, तो आप जिस तरह से ज्वाइन करना चाहें, जिसके लिए एलिजिबल हो, जैसे हम बात करें यहाँ पर मोस्टली बायोलॉजिकल साइंस की, तो बायोलॉजिकल साइंस में पार्ट टाइम भी अवेलेबल है और फुल टाइम भी अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फुल टाइम स्टूडेंट प्रेफरेंटली इंडिविजुअल हु वुड लाइक परस्यू पीएचडी इन हाउस रिसाइडिंग ऑन द कैंपस, मतलब इन्हें कैंपस में रहना पड़ेगा, और पार्ट टाइम में क्या होता है, अपने बेसिक फैसिलिटीज और एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, इसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंस के लिए, तो एमएससी, बी बी फार्मा और एन इक्विवेलेंट डिग्री विद द मिनिमम 60%, तो 60% होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम वही बात करें दूसरी तरफ कि इन्होंने जो बोला दूसरा यहाँ पर एक ये है कि कैंडिडेट एडमिट विद द क्वालिफिकेशन इंक्लूड एमएससी, बीई, बी फार्मा, ईटीसी विल बी रिक्वायर्ड डू कोर्स वर्क विद मिनिमम ऑफ 6 कोर्सेस एंड मिनिमम 24 यूनिट्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर आफ्टर द एडमिशन टू द प्रोग्राम। तो इनको ये चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 कोर्स होंगे और इसमें 24 यूनिट्स होंगी जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन के दौरान करनी पड़ेंगी। ठीक, इसी के साथ हम बात करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर मान लो आपके पास डीबीटी और सीएसआईआर या कोई भी नेशनल लेवल की कोई जेआरएफ नहीं है, तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप देते हैं, और इंस्टीट्यूट फेलोशिप जब देते हैं तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप इनका क्या करेंगे, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये फेलोशिप प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट एडमिटेड पीएचडी प्रोग्राम एलिजिबल टू कंसीडर्ड फॉर एन इंस्टीट्यूट फेलोशिप 34,000 और 37,000 पर मंथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो साइंस स्ट्रीम, मतलब यहाँ पर हम बात करें तो जो एमएससी, बी बी फार्मा इक्विवेलेंट डिग्री एलिजिबल टू रिसीव एन इंस्टीट्यूट फेलोशिप 34,000, इनको पहले 34,000 मिलेगी जब ये अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे कंटिन्यू सेमेस्टर में, तो यहाँ पर इनको 37,000 इनकी जो है फेलोशिप कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो फुल टाइम करेंगे उनको कम से कम 8 आवर का प्री वर्क करना पड़ेगा, वही लैब में, इंस्टीट्यूट में कोई भी काम हो सकता है, वो 8 घंटे के लिए इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट, एडमिशन हमारे जो है वो 26 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट सबमिशन है 18 नवंबर 2024, और डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 2 दिसंबर। इनमें से जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे उनको ये कर दिया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो होगा वो 16 to 17 दिसंबर तक होगा, और अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर 23 दिसंबर। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अगर इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन पोर्टल अप्लाइंग ऑनलाइन 26 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट, ये तो हम बता चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम वही बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग सोच समझ के फॉर्म फिल करना अगर आपको करना हो, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल फीस है और फीस ज्यादा है। इसकी एप्लीकेशन फीस जो वो है 2,600 रुपीज है, जो एक अच्छी खासी फीस है। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेबल है, अगर आपको लगता है कि करना है तभी इसको फिल करना। ठीक है, अगर हम यहीं पर और बात करें, इसके टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, और रिटन टेस्ट होगा इसमें अगर जो बच्चों के पास
जिनके पास जो मान लो डीबीटी जेआरएफ सीएसआईआर जेआरएफ है वो इस एग्जाम को नहीं देंगे। ठीक है, इस एग्जाम को बोलो रिटन टेस्ट को नहीं देंगे। जिनके पास सीएसआईआर जेआरएफ डीबीटी जेआरएफ ईटीसी हैं तो ये उस एग्जाम को नहीं देंगे जो इनका रिटन एग्जाम इंटरनल होना है। ठीक है, तो उनको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट के लिए सिलेबस दे रखा है। देखो पहला जो टेस्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, उसके बाद इनका सेकेंड टेस्ट होगा वो अपना मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो उसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल साइंस का देखो पूरा इन्होंने जैसे कि मान लो सीएसआईआर से रिलेटेड दे रखा है। ठीक है, तो आप इसका रिटन टेस्ट जो सीएसआईआर का है उसी के सिलेबस से मिलता जुलता है। और दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि सीएसआईआर का एग्जाम भी दिसंबर में होना है, तो यहाँ पर इन्होंने ये इनका भी एग्जाम दिसंबर में है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका भी रिटर्न आराम से क्वालिफाई हो सकता है। तो ये यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन थी, ये बायोलॉजिकल साइंस का सिलेबस है। तो आप लोग इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन ले सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।